नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उन गरीब लोगों के बारे में, और आप भी हो सकते हैं भाई उन गरीब लोगों में जिन्होंने आपसे आपने मुझसे कांटेक्ट किया है, लेकिन मैं आपकी मैं हेल्प नहीं की और नहीं मैं करना चाहता। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन वीडियो पूरा देख के नीचे कमेंट करना। पहले ही अपना ज्ञान देने मत लग जाना कि मैं किस बात पर क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बात क्यों मुझे बोलने में गुस्सा आता है साथ में। जी हाँ, एक बंदे ने मुझे मैसेज भेजा, पहले उसने ऊपर भेजा कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये कनाडा का कॉन्टेक्ट लेटर आया, इसको प्लीज़ चेक कर दो, इसका कितना पैसा लगता है। एजेंट मेरे से 40,000 रुपये मांग रहा है। जी हाँ, मेरा एक मैसेज चला जाता है कि भाई 500 रुपये, आप 700 रुपये जो भी है फीस जमा करके मेरे से बात करें और एडवाइस लें। जी हाँ, बंदा हाथ जोड़ता, इमोजी। आजकल एक बड़ा सिस्टम चल गया, अगले बंदे को कन्वेंशन करने के लिए इमोजी भेजना, हाथ जोड़ना, आंसू बहाते हुए इमोजी डाल देना। जी हाँ, लेकिन भाई मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गुस्सा आता है आप लोगों की सोच के ऊपर। नीचे उसने फिर मैंने मैसेज कर दिया, फिर उसने बोल दिया प्लीज़ बता दो, हाथ जोड़ रहा है। नीचे लिखता है कि सर मैं 50,000 रुपये दे चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको गौर करने की बात है, एविडेंस साथ में लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हालांकि बंदे का नाम नंबर मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, आप सबको पता है। बंदा हाथ जोड़ते हुए बोल रहा है सर 50,000 रुपये दे चुका हूँ, 40,000 रुपये और मांग रहा है। यानी वो मेरे से ये कन्फर्मेशन करना चाहता है कि 50 तो दे दिए, 40,000 रुपये कनाडा के नाम से मैं और दे रहा हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आपको 500 रुपये नहीं दे सकता। आप बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। यानी 50,000 दे दिए, 40 है उसके पास देने के लिए जो कुएं में डाल रहा है, लेकिन ईमानदारी से एक डॉक्यूमेंट चेक करवाने का, सही राय लेने के लिए 500 रुपये नहीं देने की हिम्मत पड़ रही। आप लोगों की ये सोच है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि यार क्या है ये। मतलब आप हाथ जोड़ रहे हो, भीख मांग रहे हो, एजेंटों को पैसे देने के लिए तैयार हो। अगर मैं बता दूं ना हाँ ठीक है, मैं झूठ भी बोल दूं ना कि हाँ ठीक है पैसे दे दो, ओके है, गारंटी के साथ 1 घंटे में आप पैसा एजेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे 40,000, लेकिन और 500 रुपये जो सही रास्ता आपको दिख रहा है ना, वो आपकी हिम्मत नहीं है। ये बुक खरीदने की हिम्मत नहीं है आप लोगों की। इतने लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन कोई फ्री फोकट में, फ्री में दे दो सब, एड्रेस तुरंत आप डाल दोगे, बोल दो ना फ्री में ले लो, चाहे मेरा इस बुक के पीछे 200-250 का खर्चा हुआ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तुरंत डाल दोगे फ्री में सब कुछ। ये एजेंटों का मेडिकल के नाम से, ऑफर लेटर के नाम से तैयार बैठे हो रहे, कोई लेने वाला चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, प्लीज़ सर हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दो एजेंट मेरे से इतने, और मुझे इतना गुस्सा आता है। अरे भाई शर्म नहीं आती तुझे, एजेंट को तू पैसे देने के लिए तैयार है, यहाँ पे सही एडवाइस लेने के लिए 500 रुपये तू देने के लिए तैयार नहीं है। ये आप लोगों की सोच है। दोबारा मैंने मैसेज कर दिया, मैंने दोबारा उसको मैसेज कर दिया कि फीस जमा करके कॉल करें, बंदे का ऑटोमेटिक मैसेज आना बंद हो गया। अब बताओ 50,000 रुपये ठगवा लिए, 40,000 ठगवाने के लिए तैयार है, बस मेरी हाँ की जरूरत है, 500 रुपये नहीं है, हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, आंसू बहा रहा है इमोजी के माध्यम से। बताओ जी, ये है आप लोगों की सच्चाई, इसीलिए आप लोग ठगे जाते हैं। टोटल गरीब जो लोग हैं ना, जो आप अपने आप को तो समझते हैं बहुत ज़्यादा माइंडेड आदमी, कि मेरे जितना समझदार दुनिया में नहीं है, और वही लोग सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं। रोज़ मेरे पास यकीन मानिए 5 से 7 लाख लोगों के, 5 से 7 लाख रुपए ठगे हुए लोगों के मैसेज आता है, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। ईमानदारी से फीस नहीं दे दीजिए हमें, हम बर्बाद हो जाएंगे आपको 500 रुपये दे के। बस ये अपडेट आपको देना था साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।